हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन मार्केट में 5 जनवरी को रेडमी की नोट 12 सीरीज लॉन्च होने वाली है, और इस बार जो है वापस से रेडमी नोट 12 प्रो एंड रेडमी नोट 12 प्रो प्लस जो है फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। जो रेडमी नोट 12 है वो आपको अमेजोन पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो है 12 प्रो एंड 12 प्रो प्लस है वो आपको फ्लिपकार्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वहाँ पर बीट करना है रियलमी 10 प्रो सीरीज के साथ में। गाइस, ये जो है सबसे बड़ा रीजन है। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के कॉन्फिगरेशन के बारे में, रेडमी नोट 10 प्रो के बारे में, तो गाइस इस वीडियो में हम डिटेल बात करने वाले हैं क्या आपको वेट करना चाहिए Redmi Note 12 Pro का या फिर जो है नहीं करना चाहिए। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं Redmi Note 12 Pro Plus का, अगर आपको देखना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर से आप जो है क्लिक करके देख लीजिएगा। लेकिन क्या आपको Redmi Note 12 Pro का वेट करना चाहिए या फिर जो है नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, आपको बता दूं, जो Redmi Note 12 Pro सीरीज है एंड Redmi Note 12 सीरीज है वो लॉन्च होने वाली है 5 जनवरी को। जो प्राइस सेगमेंट होने वाला है ना, वो Redmi Note 12 Pro का होने वाला है ऑलमोस्ट जो है 20,000 रुपए के आसपास। गाइस, ये टक्कर देने वाला है Realme 10 Pro को, और जो Redmi का Note 12 Pro Plus है वो टक्कर देने वाला है Realme के 10 Pro Plus को। तो गाइस, हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं Redmi Note 12 Pro Plus के बारे में, आप देख सकते हैं जरूर से, बटन आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं Redmi Note 12 Pro के फर्स्ट लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो आपको जो है कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलेगा Redmi Note 12 Pro का, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लुक लग रहा है। और हाँ, लुक वाइज में यहां पर जो है दोनों अपनी अपनी जगह है, Realme 10 Pro और जो है Redmi का Note 12 Pro। अपनी अलग अलग चॉइस हो सकती है हर किसी की, किसी को पसंद आएगा Realme का लुक, किसी को पसंद आएगा Redmi का लुक, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, यहाँ पे अलग अलग चॉइस हो सकती है। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के फ्रंट डिजाइन के बारे में, जो कि आपको मिलेगा 6.67 इंच का डिस्प्ले, पंच होल स्क्रीन एंड 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट। गाइस, इसका मतलब है कि आपको जो है कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आपके पास एक अच्छा परफॉर्मेंस भी अवेलेबल है, जो कि आप आराम से जो है कॉम्पिटिशन को टक्कर दे सकते हो, एंड परफॉर्मेंस वाइज में जो है कोई आपको जो है दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के बैक डिजाइन के बारे में, तो बैक डिजाइन आपको जो है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जो कि लुक वाइज में जो है काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो वहां पर तो इजिली बीट कर ही सकता है कंपटीशन को, क्योंकि यहां पे चिपसेट आपको मिलने वाला है वो है मीटर का 1080, जो कि यहां पे जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है एंड परफॉर्मेंस के मामले में जो है लिटरली काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि Redmi Note 12 Pro एंड Redmi Note 12 Pro Plus का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम चिपसेट है, लेकिन आपको यहां पर जो है कैमरा में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो Redmi Note 12 Pro का जो कैमरा है वो होने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप। 50 MP का आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, एंड सेकेंडरी जो कैमरा है वो है 8 MP का, एंड थर्ड जो कैमरा होगा वो होगा 2 MP का मैक्रो लेंस। लेकिन 50 MP का जो कैमरा है ना, वो आएगा सोनी के सेंसर के साथ में, सोनी IMX786 आपको जो है परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब जो है लिटरली गाइस काफी इंटरेस्टिंग आपको जो है कैमरा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, तो वो होगा 16 MP के साथ में, एंड यहां पर जो है गाइस अभी तक हमने देखा है डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, डिजाइन अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, एंड इसके अलावा जो है कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको जो है एक अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, सेंसर के बारे में बात करते हैं, तो लगभग आपको जो है सभी सेंसर देखने को मिलेंगे। आपको यहां पर मिलेगा साइड बोर्ड फिंगरप्रिंट सेंसर, आयर ब्लास्टर, एंड जो है छोटे मोटे सेंसर आपको जो है सारे देखने को मिलेंगे Redmi Note 12 Pro के अंदर। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस एंड चार्जिंग आउटपुट के बारे में, तो 5000 mAh की बैटरी को देखने को मिलेगी एंड 67 W चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। गाइस, ओवरऑल जो पैकेज है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, 6 GB एंड 8 GB, एंड यहाँ पे जो है स्टोरेज वेरिएंट भी जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस, एक्सपेक्टेड जो प्राइस है ना वो ये है कि 20,000 रुपये के अंदर आना चाहिए। कोई ऑफर वगैरह लगा के भी जो है 20,000 के अंदर आ जाता है, तो गाइस ये जो है काफी इंटरेस्टिंग डील बन जाएगी Redmi Note 12 Pro, एंड धूम मचा देगा जनवरी मंथ के अंदर। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन एंड UI के बारे में, तो एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलेगा यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 एंड MIUI 13 का वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और जो परफॉर्मेंस है एक अच्छा आपको जो है डेफिनेट देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो MIUI के जो बग्स है वो आपको जो है Redmi Note 12 के अंदर जो है MIUI 13 के साथ में जो है देखने को नहीं मिले। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके आप मुझे बताना आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, Redmi Note 12 Pro सीरीज के बारे में, क्या आप वेट कर रहे हो या फिर जो है नहीं कर रहे हो, या फिर जो है Realme 10 Pro सीरीज ऑलरेडी परचेस कर चुके हो या फिर करने वाले हो, जो भी आपके माइंड में हो ना, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तक हमारे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।